Hello students, welcome. How are you? All are fine. Good. Today's our subject is English. Welcome to our English class students. What we learn today? Write essay, myself. Today हम क्या सीखने वाले हैं students? Essay. क्या सीखेंगे? Essay. Essay में हम क्या सीखने वाले? पता है आप लोगों को? Myself. Means मेरे लिए जो हमारी जात माटे हमारा माटे आज हम टुडे हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स माई सेल्फ तो आप लोगों की इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग की टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 38 उसमें दिया हुआ है देखो राइट एसे माई सेल्फ आप लोगों को क्या करना है टेक्स्ट बुक के यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख देख के आपको नीचे लिखना है माई सेल्फ में फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी माई नेम इज मीन्स आपका नाम यानी कि मेरा नाम जो नाम आपका है वो आपको इस ब्लैंक्स दी हुई है उसमें लिखना है आपका जो नाम है वो आपको लिखना है ओके माई नेम इज मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आरव का नाम लिख रही हूँ लेकिन आप लोगों को आपका नाम लिखना है ओके लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट फर्स्ट लाइन क्या है माई नेम इज आरव M Y My N A M E Name Is My name is Arrow A R V Full stop माई नेम इज आरव मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आरव नाम लिखा है वो फॉर एग्जाम्पल है लेकिन आप लोगों को आपका नाम लिखना है बॉय आपका जो भी नाम आता है नित्या है योगी है ध्याना है आपका जो नाम है वो आपको लिखना है ओके मैंने यहाँ पर आरव लिखा है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है माई नेम इज आरव नेक्स्ट लाइन कौन सी है I am a boy and girl. जो आप लोग boy हो तो आपको boy लिखना है और आप girl हो तो आपको girl लिखना है I am a boy means मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ जो boy होगा वो boy का spelling लिखेगा B O Y boy and जो girl होगी वो girl का spelling लिखेगी G I R L girl. Let's start. तो यहाँ पर मैंने आरव लिखा है तो आरव क्या है बॉय है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स बॉय आई एम अ बॉय आई ए एम एम अ बॉय बी ओ वाई बॉय आई एम अ बॉय फुल स्टॉप I am a boy. यहाँ पर मैंने आरव का नाम लिखा है तो आरव क्या है बॉय है My name is आरव I am a boy. Next one क्या है I am 5 years old. यानी कि मैं 5 साल का हूँ I am 5 years old. I A M M Five F I V E 5 years Y E A R S old O L D old I am 5 years old यानी कि मैं 5 साल का हूँ next one क्या है I live in I live in सूरत हम सब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स सूरत हम लोग कौन सी सिटी में रहते हैं सूरत आप लोग अपना एड्रेस भी लिख सकते हो लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सूरत I live in सूरत I L I V E live in and in सूरत U R A T सूरत I live in सूरत यानी कि मैं सूरत में रहता हूँ नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स I go to blank सूरत सॉरी स्कूल I go to blank school तो आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो What is your school name
माई स्कूल नेम इज नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आई गो टू नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल। I go to Nav Nidhi Inter National Navnidhi International School। I go to NAVNIDHI Navnidhi INTERNATIONAL International SCHOOL School। I go to Navnidhi International School। तो students, अभी हमने किसकी practice की? क्या सीखा हमने? Myself। क्या सीखा? Myself। जो हमने myself सीखा है वो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या है? टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वही आपको देख देख के नीचे लिखना है। आपका जो नाम है वो लिखना है, आप बॉय हो तो बॉय लिखना है, आप गर्ल हो तो गर्ल लिखना है। चलो वन टाइम रिवीजन करें इन सारे स्पेलिंग की। माई नेम इज आरव, आई एम अ बॉय, आई एम 5 years old, I live in Surat, I go to Navnidhi International School। तो students, ये क्या था हमारा myself। तो आप लोगों को कभी कोई question answer करेगा, what is your name, what is your father name, what is your mother name, what is your school name, what is your class teacher name, which class in study, तो आप लोग क्या कहोगे? जो आपका answer है वो लिखना है। For example, what is your name, तो क्या कहोगे? My name is Arav। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Arav। तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से myself के जो question answer है वो आपको learn करने हैं और अपनी English की textbook में लिखना है। Okay students?